साथ निभाना साथिया। मां जाओ ये देखिए, यहाँ इंग्लिश लिखा है ना, यही देखकर तो मैंने इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी की थी। हाँ, टाइम टेबल पर तो यहाँ इंग्लिश ही लिखा हुआ है। व्हाइटनर कैसे आया यहाँ? मीरा, ये टाइम टेबल तूने बिल्कुल सही लिखा था। ये देख, यहाँ तूने मैथ से लिखा था और यहाँ इंग्लिश। मुझे लगता है मीरा, तेरे क्लास के किसी बच्चे ने ये शरारत की है। पर माँ, जैसे ही टीचर ने मुझे टाइम टेबल नोट करवाया, मैंने तुरंत ही मेरी डायरी अपने बैग में रख ली थी। घुंघरों की तरह बजती रही हूँ मैं, घुंघरों की तरह बजती रही हूँ। इसका घुंघरों पर इस तरह गाना शायद इसी ने छेड़खानी की होगी, घुंघरों के साथ भी और टाइम टेबल के साथ भी। इत्तेफाक भी तो हो सकता है, जो भी है राधा, आज मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मुझे यकीन है कान्हा जी मुझे वहां तक भी पहुंचा देंगे। और अगर इन सब के पीछे तेरा ही हाथ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर आप यहाँ ना वही पुराना राग सुनाने आई है तो मैं बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही की। जरा मेरी दवाई बाहर निकाल कर रख दो। मैंने दवाई निकाल कर रखी है। इस वक्त कौन है? आंटी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। प्लीज आंटी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी आंटी, जो मैंने आपसे आर्ग्यूमेंट की, जिस सच में बुरा लग रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? आंटी, मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और दिल से आपको अपना मानती हूँ। बस बंद करो अपनी ये बेतुकी बातें। मुझे ना तुम्हारी माफी चाहिए और ना ही तुमसे कोई सफाई। खोकी आंटी, आज जो कुछ भी हुआ उसमें गोपी बहन की कोई गलती नहीं थी, वो एक बहुत अच्छी माँ है। लेकिन गोपी बहन ने जो किया काफी सोच समझ के किया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि बच्चा पढ़ाई में भी ध्यान दे और दूसरी एक्टिविटीज में भी आगे बढ़े। इसमें गोपी बहन की कोई गलती नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। क्यों क्यों करूं मैं तुम्हारा विश्वास? झूठी धोखेबाज, सच कहूं तो तुम्हारी संगत में रहकर गोपी भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
आपकी आंटी। बस जाओ यहां से। आंटी परिधि, तुम क्यों मॉम को परेशान कर रही हो? वो पहले से बहुत परेशान। जीजू प्लीज। परिधि प्लीज इनफ। मॉम आप ही परेशान मत हुई, आराम कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये दोनों माँ बेटे हाँ मेरी बात सुनने को ना समझने को तैयार है और ना ही मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ भी कर लो किसी बात पर इम्पैस नहीं होते। पर मैं भी इसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी करके दोनों को इम्पैस करके ही रहूंगी। गुड नाइट परिधि, होप यू हैव अ स्वीट ड्रीम। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।